चलिए आज हम लोग जानेंगे किसी भी मोटर में जो वायर निकलते हैं उसको हम कैसे चेक करके उसमें कैपेसिटर जोड़े, यानी कि कोई भी मोटर हो, चाहे वो पंखा हमारा देखिए सीलिंग फैन हो, चाहे वो फराटा फैन हो, या कोई भी मोटर हो, उसको हम अपने घर पे सीरीज के द्वारा चेक करके, वो भी इस बल्ब के द्वारा चेक करके कैसे हम इसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पहचानेंगे, किस प्रकार से हम इसमें जोड़ेंगे, उसी के बारे में डिटेल समझेंगे। सबसे पहले देखिए एक मोटर है और इस मोटर को सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है, तो उसी में हम रनिंग और स्टार्टिंग भी चेक हो जाएगा। और ये हमारा दूसरा फैन है, देखिए ये फराटा फैन का मोटर है और फराटा फैन पांच पत्ती में, ये उसका भी मोटर, इसकी भी वाइंडिंग देखिए हुई है और चार तार इससे निकले हैं। तो सबसे पहले बताएं किसी भी मोटर से जो वायर निकलते हैं वो चार तार निकलते हैं, जिसमें दो रनिंग और दो स्टार्टिंग के होते हैं, टोटल चार वायर होते हैं। अगर उस मोटर में चार तार नहीं तीन तार निकला है तो तीन का मतलब ये हो गया कि एक तार अंदर से कॉमन बना लिया गया है। मतलब जैसे देखिए यहां पर तो देखिए ये चारों के चारों तार हम बाहर दिखा दे रहे हैं, चारों तार बाहर निकले हुए, दो निकले येलो कलर में और दो तार हैं रेड कलर में। इसके अलावा ये दूसरा मोटर है, यहां पे दिखाइए जो दूसरा मोटर है, देखिए इसमें क्या हुआ है, दो तार इसमें भी ये रेड कलर में निकले हैं और दो तार येलो कलर में, टोटल चार तार है ना, तो जिसमें क्या किया गया, एक रेड और एक येलो को एक ही में मिला करके एक तार बनाया गया, ये हो गया कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ जिस मोटर में केवल तीन तार निकले हैं उसमें एक तार ये जो कॉमन हम बाहर दिखा रहे हैं ये अंदर बना लिया गया होगा, मतलब एक तार ये कॉमन का हो गया, एक तार रनिंग का हो जाएगा और एक तार स्टार्टिंग का हो जाएगा। तो जिसमें तीन तार दिखाई देंगे उसका मतलब यही हुआ। लेकिन देखिए अंदर से जो टोटल बाइंडिंग से निकलते हैं वो चार तार ही जरूर निकलते हैं, बस कॉमन अंदर बना दिया जाए या बाहर बना दिया जाए उसी लिए वो तीन तार हो जाते हैं। देखिए यहां पर भी तीन तार हो गए लेकिन यहां पर देखिए चार तार हैं। अगर इस मोटर को हमें तीन तार में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, एक रेड और एक येलो मिला देंगे, ये बन जाएगा कॉमन। अब इसके बाद एक तार ये हो गया, एक यहां और एक ये दोनों मिला के एक ही बन गए इसलिए ये कॉमन हो जाएगा। अच्छा सबसे पहले अगर हम इसमें कलर की बात करें, इधर दिखाइए, सबसे पहले इसमें कलर की बात करें तो कोई भी मोटर हो अगर उसमें दो तार किसी एक कलर के और दो तार किसी दूसरे कलर के हैं तो जो भी दो तार एक कलर के होंगे ये दोनों जो भी होंगे एक होंगे, मतलब अगर ये दोनों रनिंग हैं तो रनिंग होंगे और अगर ये दोनों स्टार्टिंग हैं तो स्टार्टिंग होंगे। मतलब बस ये है कि ये दोनों जो भी हैं एक हैं, अगर ये दोनों रनिंग हैं तो दोनों रनिंग होंगे, अगर स्टार्टिंग है तो दोनों स्टार्टिंग होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सीरीज से इसको कंटिन्यूटी चेक करें तो ये दोनों एक दूसरे में कंटिन्यूटी भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम बाइंडिंग करते हैं तो जहां से लपेटना स्टार्ट करते हैं एक तार वो मिलता है और जब खत्म करते हैं तो एक तार वो मिलता है। तो ये वही दोनों तार होते हैं, एक शुरू वाला होता है और एक लास्ट वाला होता है। कौन शुरू का है कौन लास्ट का है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी शुरू का हो कोई भी लास्ट का हो। और ये जो दो तार है ये भी दोनों बाहर वाली बाइंडिंग के हैं, दो अंदर वाली बाइंडिंग के हैं। इसमें दो तरह की बाइंडिंग है ना, एक रनिंग बाइंडिंग एक स्टार्टिंग बाइंडिंग, तो उसी प्रकार से चार तार निकले। अब हम इसको सीरीज से चेक करेंगे और सबसे पहले हम बताएं सीरीज क्या होता है। देखिए ये एक तार है, इस तार में देखिए दो तार, मतलब ये दोनों सिरा इधर है और इसका दो सिरा इधर है। इसके किसी एक ही तार को काट दिया गया, देखिए सिर्फ एलो वाले को, रेड वाले को नहीं, सिर्फ एक ही तार को, यानी यहां से काट दिया गया और उसमें बल्ब को दोनों जोड़ दिया गया, ये बन गया सीरीज बल्ब। ये सीरीज बल्ब है कैसे, देखिए इसमें एक सप्लाई अगर हम यहां पे पावर में खोजते हैं, जैसे ये बड़ा तार है तो इसको अगर हम इस बोर्ड में पावर में खोजते हैं, एक सप्लाई अगर हम बोर्ड में खोसेंगे तो ये जो दोनों बचेंगे इसको जब हम टच कराएंगे तो ये हमारा बल्ब जलेगा। देखिए खोसिए यहां पे, तो देखिए हमने पावर में यहां पे लगाया और इसको टच कराएंगे तो ये बल्ब जलेगा। इसका ये मतलब हुआ ये सीरीज देखिए हमारा काम कर रहा है, ये सीरीज में बल्ब हमारा जल रहा है, तो इस प्रकार से ये बन जाता है सीरीज। कभी भी चेक करना हो बिल्कुल आसान तरीके से इसी प्रकार से देखिए सीरीज बना लेंगे, इस प्रकार से सिर्फ एक तार में दोनों में बल्ब लगा देना है। अब इससे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, कंटिन्यूटी का मतलब सबसे पहले दोनों अगर हम रेड रेड को चेक करके दिखाएं आपको, तो देखिए एक तार रेड वाले को हम यहां पे रख रहे हैं, दिखाइएगा नजदीक से, एक तार इस पे हमने रख रहा है, देखिए यहां तो डायरेक्ट है और दूसरा तार दूसरे रेड पे। अगर ये बाइंडिंग सही होगी जो रेड कलर में है, ये रनिंग है कि स्टार्टिंग है अभी नहीं पता, अभी पता चल जाएगा, अगर ये सही होगी तो ये बल्ब जलेगा। देखिए यहां पे ये बल्ब जल रहा है ना, बल्ब जल रहा है लेकिन थोड़ी सी कम जल रहा है, अभी देखिए डायरेक्ट जल, डायरेक्ट अपेक्षा देखिए तेज जल रहा है, इस पे जल रहा है थोड़ी सी कम जल रहा है। अगर ये मोटर ये जो बल्ब है ये कम जल रहा है तो इसका मतलब है कि ये सही है। अगर किसी कारण से ये बल्ब पूरा डायरेक्ट जलता पूरा तेज जलता तो इसका ये भी मतलब होता है कि ये जो बाइंडिंग है ये अंदर से शॉर्ट हो चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो करंट है वो डायरेक्ट वापस आ रहा है, इसीलिए बल्ब अगर डायरेक्ट जलेगा तो मतलब उसमें रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है। और यहां पर अगर इससे कम जल रहा है मतलब ये सही है, यानी ये एक बाइंडिंग तो सही हो गई। दूसरी वाली बाइंडिंग चेक कर लेते हैं, देखिए जो हमारी येलो कलर में है, तो जो येलो कलर में इसकी वाली बाइंडिंग चेक कर लेते हैं, यहां पर इस तार को हम थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेते हैं,
उठाइए इसको, पकड़िए थोड़ा सा एलो वाले वायर को और ऐसे, हाँ तो देखिए एक तार को हमने यहां पे रख लिया और दूसरे को, दोनों को एलो पे रख रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से, और ये बल्ब दिखे, थोड़ा सा बल्ब को दिखने दीजिए कि बल्ब कितना जल रहा है। देखिए बल्ब इस पे थोड़ा सा उसकी अपेक्षा तेज जल रहा है। अभी हम दोनों पे आपको रख रख के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इस पे भी बल्ब जल रहा है, लेकिन हाँ डायरेक्ट जितना नहीं जल रहा है। देखिए डायरेक्ट बहुत तेज है और इस पे भी थोड़ा सा कम जल रहा है, मतलब ये भी बाइंडिंग सही है। लेकिन हाँ इससे हम रनिंग और स्टार्टिंग कन्फर्म कर सकते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग कैसे कन्फर्म करेंगे, इस पे देखिए इस बल्ब पे ज्यादा कम जल रहा है और एलो वाले पे थोड़ी सी तेज जल रहा है। एलो वालों पे एक बार हम फिर से दिखाते हैं आपको, देखिए एलो वाले पे थोड़ा सा तेज जल रहा है। तो जिस पे तेज जलेगा, जिस भी बाइंडिंग पर, जिन दो वायरों पर सीरीज का बल्ब तेज जलेगा, उसका ये मतलब हुआ कि उसमें रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं, इसके अंदर जब हम तार लपेटते हैं ना, तो तारों की संख्या जब ज्यादा होगी, दूरी बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब लाइट कंट्रोल हो जाएगी। गाड़ी को बहुत दूर से जाके अगर वापस आना हो तो पेट्रोल सारा खत्म हो जाएगा। वैसे ही विद्युत को, रास्ते को बहुत दूर से जब घुमा के ला रहे हैं तो उसमें लाइट की पावर कम हो जा रही है, इसलिए बल्ब कम जल रहा है। मतलब मोटर की बाइंडिंग करते समय स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक भरा जाता है और रनिंग में टर्न की संख्या कम भरा जाता है, और जिसमें टर्न की संख्या ज्यादा होगी उस पे बल्ब कम जलेगा। मतलब उल्टा समझिए, टर्न की संख्या मतलब दूरी ज्यादा होगी तो तेल कम बचेगा, मतलब लाइट कम जलेगी, और टर्न अगर कम होगा यानी दूरी कम होगी तो तेल ज्यादा बचेगा, मतलब बल्ब ज्यादा जलेगा। यही इसका चेकिंग का तरीका है। मतलब रनिंग और स्टार्टिंग ऐसे कंफर्म कर सकते हैं, जिन दो वायरों पर सीरीज का बल्ब कम जलेगा वो दोनों वायर स्टार्टिंग के होंगे, और जिस पे बल्ब अधिक जलेगा वो दोनों वायर रनिंग के होंगे। इस प्रकार से हमारा रनिंग और स्टार्टिंग कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी मोटर से सिर्फ तीन तार निकले हैं, जैसे इस मोटर से, या हम इसी में कॉमन बना देते हैं, तो इसको भी ये भी वही वाली बात हो जाएगी। देखिए यहां से सिर्फ किसी मोटर से अगर केवल तीन तार निकले हैं, तो देखिए ये एक तार हो गया। चलिए हम इस मोटर में थोड़ा सा छोटा सा तार जोड़ करके दिखा देते हैं। इसी मोटर में छोटा सा हम तार जोड़ देते हैं, ये देखिए, तो हाँ कोई अलग कलर का जोड़ देते हैं तो इससे हमें दिखाई भी देगा। तो यहां पर देखिए हम एक तार जोड़ दिए, ये रेड और एलो को एक ही में जोड़ दिया, यहां पर दिखा दीजिएगा, रेड और एलो को एक ही में जोड़ दिया हमने, और इसके बाद ये दो तार बचे। अब ये कुल मिला के हमारे पास तीन तार हो गए ना, ये हो गए हैं कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, सीरीज को लगा देते हैं हम, सीरीज को लगाइए, और सीरीज को लगा के अब हम कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग में चेक करना बताएंगे, और चेक करने के बाद इसमें कैपेसिटर जोड़ेंगे। इसको पकड़िए और चेक करिए, देखिए दोनों को डायरेक्ट एक बार टच करवाइए, देखिए लाइट आ रही कि नहीं आ रही है, कंफर्म कर लीजिए दोनों। हाँ देखिए यहाँ पे लाइट आ रही है। अब ये तीन तार बचे, हमने आपको बता भी दिया कि ये कॉमन बन चुका है। ब्लू वाला कैसे, रेड और येलो को मिलाया गया है इसलिए ये कॉमन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले देखिए रेड और येलो को चेक कर लीजिए। देखिए जब तीन तार निकलेंगे तो कहीं से कहीं भी चेक करेंगे सीरीज का बल्ब जलेगा। देखिए यहाँ पे भी बल्ब जल रहा है और बल्ब बहुत कम जल रहा है, और इस पे रखिए एक बार, एक तार हाँ इस पे रखिए, देखिए इस पे थोड़ी सी तेज जल रहा है, रेड वाले को उठा के एलो पर रखिए, इस पे भी जलेगा, देखिए उससे भी तेज जल रहा है। तो इसका ये मतलब होता है सीरीज से चेक करने में, जब तीन तार निकलते हैं तो जिन दो तारों पर सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा उन दोनों तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर कॉमन का होगा। जैसे यहां पर देखिए इन दोनों पे रख रहे हैं, तो ये दोनों वायर देखिए, इन दोनों पे सीरीज का बल्ब सबसे कम जल रहा है। देखिए इतना कम जल रहा है जैसे केवल तार जल रहा है, और ये कॉमन आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो गया कॉमन, यानी जिन दोनों पे सबसे कम जल रहा है, उसके अलावा ये ब्लू वाला बचा हुआ है ना, तो ये ब्लू वाला हो गया कॉमन, यानी जिन दो वायरों पर सीरीज का बल्ब सबसे कम जलेगा उन दोनों तारों को छोड़कर जो बचा हुआ ये तीसरा तार होगा ये कॉमन का होगा। कंफर्म हो गया, ये कॉमन का होगा। और अगर हमें कॉमन कंफर्म हो जाए तो रनिंग और स्टार्टिंग भी कंफर्म कर सकते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग कैसे, एक तार को कॉमन पे रखेंगे, एक तार को कॉमन पे, और दूसरे से दोनों पे बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए एक बार इस पे चेक कर लेते हैं, एक बार दूसरे पे चेक कर लेते हैं, इसमें देखेंगे कि किसी एक पर सीरीज का बल्ब अधिक जलेगा और दूसरे पे सीरीज का बल्ब कम जलेगा। तो जिस पे बल्ब अधिक जलेगा वो रनिंग का होगा, और जिस पे बल्ब कम जलेगा वो स्टार्टिंग का होगा। अच्छा, रनिंग वाले पे बल्ब अधिक क्यों जलता है, क्योंकि हमने बता दिया रनिंग में टर्न की संख्या कम होती है इसलिए सीरीज का बल्ब अधिक जलता है, और स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है इसलिए वहां पे बल्ब कम जलता है। तो ये हमारा तरीका हो गया। इसके बाद अगर अब हमें इसमें कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए हम इसमें लगाते हैं कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं,
रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर की सबसे बड़ी एक पहचान यह है कि रनिंग कैपेसिटर पे लिखा रहेगा 440 वोल्ट और स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होता है उस पे लिखा होता है 220 वोल्ट। अब जो रनिंग कैपेसिटर हमारे जितने भी पंखा के मोटर होते हैं ना, कोई भी फैन हो, उन सब में रनिंग कैपेसिटर यूज किया जाता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर केवल बड़े मोटरों में प्रयोग किया जाता है, जैसे एसी का मोटर हो गया, फ्रिज का मोटर हो गया, 1 HP का, 2 HP का, या कोई भी बड़ा मोटर अगर हो गया तो वहां पे स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर वहां क्यों करते हैं जानते हैं? कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देके स्टार्ट करना होता है। मतलब जब मोटर स्टार्ट होता है ना, तो बड़ा मोटर रहेगा तो 220 वोल्ट के पावर की बस की बात नहीं है कि वो उसको स्टार्ट कर पाए। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कैपेसिटर लगा के उसकी पावर को और बढ़ाया जाता है ताकि उस मोटर को स्टार्ट कर पाए, उस मोटर को चला पाए। कोई भी चीज हो, जैसे शुरू में आप साइकिल चलाएंगे तो पैंडल जब मारेंगे तो शुरू में ज्यादा पावर लगती है, हां चलने के बाद थोड़ी कम पावर लगती है, नॉर्मल हो जाता है ना, उसी प्रकार से मोटर में भी होता है। मोटर जब स्टार्ट होता है तो ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन जब चलने लगता है रनिंग के टाइम तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम खत्म हो जाता है। ये रनिंग कैपेसिटर ही काम करता है मोटर को लगातार चलाने का। इसके अगर कनेक्शन की बात करें तो देखिए कॉमन हमने यहां बना लिया है, ये रनिंग और स्टार्टिंग है। इसमें कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो जो दोनों रनिंग और स्टार्टिंग के हैं इन दोनों में कैपेसिटर जोड़ना है। देखना नहीं कौन रनिंग का है कौन सा स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, बस एक ठे में कैपेसिटर का एक ठे जोड़ दीजिए तार और दूसरे में दूसरा जोड़ दीजिए, हो गया कैपेसिटर। अब हमारा चाहिए क्या, न्यूट्रल और फेस। न्यूट्रल और फेस के लिए एक लीड यहां पे थी, वो वाली लीड, तो न्यूट्रल और फेस, हम न्यूट्रल और फेस दे करके इस मोटर को चलाएंगे। कभी आप अगर चलाना चाहें तो ऐसे भी चला सकते हैं, सीरीज के वायर से एक तार को इस पे रखें, दूसरे को एक बार इस पे रख के चेक करें, जिस पे रखेंगे एक पे मोटर सीधा चलेगा एक पे उल्टा चलेगा। तो चलिए हम ये कॉमन वाला ये जो तार है ब्लू कलर का, इसको हम हटा देते हैं, नजदीक से दिखा दीजिएगा, ये ब्लू कलर वायर को हम देखिए यहां से हटा देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं अपना ये मेन लीड। इससे हमें क्या फायदा होगा, ताकि एक जोड़ कम हो जाएगा ना, अभी करंट वगैरह मार देगा, या टेप पर, इसमें प्लांट टेप, इस पर हम टेप का यूज नहीं कर रहे, ये ग्रीन टेप का, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर इसको टेप लगा देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक में हमने कॉमन का कनेक्शन कर दिया। अब अगर ये जो दूसरा तार है, देखिए ये समझिए फेस या न्यूट्रल एक को जोड़ दिया, दूसरा जो तार है या तो इस पर जोड़ सकते हैं या तो इस पर जोड़ सकते हैं। एक पे पंखा उल्टा चलता है और दूसरे पे सीधा चलता है, एक बार इस पे रखेंगे एक बार इस पे रखेंगे, जिस पे लगेगा हमारा फैन सीधा चल रहा है उसी पे हम छोड़ देंगे, उसी पे चलने देंगे। तो चलिए हम इसको चला के दिखाते हैं। स्क्रू ड्राइवर हमारा ये है, स्क्रू ड्राइवर में देखिए ऐसे पकड़ के उठा लेते हैं, अगर बिना उठाए आप चलाने की कोशिश करेंगे तो पंखा में ये घूमेगा। और जानते कि ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टेटर, ये मोटर का वह भाग है जिसमें बाइंडिंग किया जाएगा। तो ये कहां लगता है, छत में लगा के, ऐसे स्क्रू लगा के टाइट कर दिया जाता है ना, तो हम भी वैसे ही लगा करके छोड़ देते हैं इसको और ये कैपेसिटर को पकड़ लेते हैं। और ये जो ब्लैक वाला तार है देख लीजिएगा, ये थोड़ा केयर से दिखाइएगा, देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, ये जो ब्लैक वाला तार है एक बार हम एक पे रखेंगे दूसरी बार दूसरे पे रखेंगे, पंखा दोनों दिशाओं में चलेगा। पावर लगाइए, तो देखिए पावर में लगा दिया गया और यहां पर हम एक पे रख रहे हैं, किसी एक पे, तो देखिए इसकी जो दिशा है काफी अच्छी स्पीड दे रहा है ये, तो देखिए इसकी जो दिशा है किस तरफ घूम रहा है, और अगर हम इसको दूसरे पर रखेंगे तो इसकी जो दिशा है वो बदल जाएगी। एक चीज और हम आपको यहां पे दिखा दें, देखिए अगर ये पंखा चल रहा है और उसी समय हम दूसरे पर रख रहे हैं, उसी स्पीड में कभी कभी ये उसी दिशा में घूम जाता है, देखिए यहां पर, लेकिन दूसरी दिशा में हो गया। अगर ये स्पीड पकड़ा हुआ है उसी पर रखते हैं तो देखिए अच्छा रुक गया और स्पीड उसकी बदल गई। तो एक पे उल्टा चलता है, एक पे सीधा चलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर स्पीड में चल रहा है, मतलब ये चेकिंग के टाइम की बात है, बाकी ये पंखा के साथ नहीं होता है, अगर दूसरे पे रख देते हैं तो ये देखिए रुक जाएगा और इसकी दिशा जो है वो बदल जाएगी, दूसरी दिशा में घूमने लगेगा। देखिए तो इसका मतलब यही हुआ कि एक बार पंखा उल्टा और एक बार सीधा चलता है, तो जिस पे लगे आपको कि ये सीधी दिशा में घूम रहा है उस पर लगा करके उस पे जोड़ करके छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम मोटर का कनेक्शन करते हैं, चाहे वो सीलिंग फैन हो, चाहे वो फराटा फैन हो, चाहे वो कोई भी मोटर हो, सभी मोटरों की चेकिंग का तरीका सेम होता है। सभी मोटरों में जो वायर निकलते हैं इसी प्रकार से चार तार निकलते हैं। तो मोटर बाइंडिंग से रिलेटेड, इस वायरिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह गया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा दूसरा चैनल MI टेक्निकल ब्लॉग, उस पर भी जाकर के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।